सो नाउ काइंड्स ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट्स कितनी किस्म के हो सकते हैं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम देन देयर इज अ सॉल्यूशन। और किसी भी तरह के मसले के हल के लिए आप एक कंप्लेंट तरतीब दे सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ एकेडमिक डिस्कशन वी हैव क्लासिफाइड द कंप्लेंट्स इन 5 to 6। सो पॉलिटिकल कंप्लेंट, अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ खास इलाकों में हमारे यहाँ खवातीन को वोट का हक नहीं था, तो उस पर फिर मुख्तलिफ कंप्लेंट्स लाई गई कि खवातीन और मर्दों को जो है वोट का हक दिया जाए। इस हवाले से सियासी शौर आगाही, इवन के कुछ लोग वोट कास्ट ही नहीं करते, उस वाले से उनको बताना कि अगर आप तो अपने नुमाइंदे मुंतखब नहीं करेंगे तो कौन करेगा, या आपकी मर्जी के खिलाफ तो मुंतखब होते आएंगे, या इस तरह से और जो सियासत में बहुत सारी चीजें आती हैं। लिटरेसी को क्या इस पे हम वक्त बात अक्सर करते रहते हैं, एजुकेशन लिटरेसी के हवाले से। बस मैं यहाँ पे इतना ही कहूंगा कि हमारा किताबें पढ़ाने पे बड़ा जोर है, लेकिन इंसान बनाने पे कोई जोर नहीं है। हमारे यहाँ तलीम याफ्ता तलीम तो बहुत है, जिन्हें आप लोग तलीम कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तहजीब याफ्ता वो कम है, जिसको इंसान कहना चाहिए। इंसान नहीं बनाए जाते, डॉक्टर बनाए जाते हैं, इंजीनियर बनाए जाते हैं, जर्नलिस्ट बनाए जाते हैं, लॉयर बनाए जाते हैं, सीएसपी ऑफिसर बनाए जाते हैं, लेकिन इंसान नहीं बनाए जाते। तो जरूरत मेरा ख्याल है कि खानगी से ज्यादा इंसानियत सिखाने की है, उसके लिए भी कोई कंपेन लॉन्च की जानी चाहिए। नेक्स्ट है जी हेल्थ के हवाले से, डिफरेंट इश्यूज हैं हमारे यहाँ, जैसे आजकल वो पिंक रिबन डे के हवाले से आगाही दी जा रही है लोगों को, चैरिटी कंपेन है, जैसे आप देखें कि हमारे वो खालें रखी दी जाती हैं और इस तरह के और बहुत सारे मदरसों के नाम पे, हॉस्पिटल्स के नाम पे फंड रेजिंग कंपेन है। और सेल्फ हेल्प कंपेन, शायद आप में से कुछ लोग सेल्फ केयर इसको कह सकते हैं, सेल्फ हेल्प भी कह सकते हैं। वो हमारे यहाँ अब तो वैसे ही डीएसपी पे इतना काम नहीं है, ना होने के बराबर है, सेल्फ हेल्प पे तो कुछ भी नहीं है। ये बहुत कॉन्शियस है, बहुत अहम है, जैसे मैंने आपसे एक दिन पहले भी बात की थी, मेरे नज़दीक इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बहुत अहम है, इसी तरह से सेल्फ हेल्प कंपेन भी बहुत अहम है। मेरे बेटे, अक्सर हम लोगों को बगैर उनसे गुफ्तगू किए उनको पागल डिक्लेयर कर देते हैं, ना अहल डिक्लेयर कर देते हैं, बेवकूफ डिक्लेयर कर देते हैं। अल्लाह के बंदे हो, जो तुम अपने पिंड च पागल लगता है ना, अपनी गली च मल्ले च, दे कभी उनके को बह के उनका दिल खोल, कभी उनका दिल उन्हें खोलन तो दियो, थोड़े सामने वो बोले अपने आप को खोल ले, तुझे देखना वो पागल नहीं है। तो सेल्फ हेल्प के बारे में आमतौर पर हमारे यहाँ अक्सर लोग मेंटल डिस्टर्बेंस है, साइकोलॉजिकल पेशेंट हैं बकायदा, लेकिन कोई उनको पेशेंट समझते नहीं है, उनको खुद भी अदराक नहीं है कि मैं पेशेंट। मसला मैं एक सिंपल सी बात आपसे कहता हूँ, अगर आप कभी कभी खौफ फील करते हैं, आपकी हार्ट बीट इररेगुलर हो जाती है, आपको लगता है कभी दिल तेज धड़कना शुरू हो गया, कभी काम शुरू हो गया,
अगर कभी आपको ऑफ की तबीयत फील होती है, आप इनसिक्योर फील करते हैं, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया है, तो ये सारी बीमारी की अलामत है मेरे भाई। ये पागलपन की अलामत है, ये क्योरेबल है, ये ठीक हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख की बात ये है कि लोगों को ये पता नहीं कि वो बीमार है एक्चुअली। ठीक है, लोग सर से गंजे हो जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि कौन से विटामिन की कमी है। इस तरह से मुख्य चीजें हैं, खास तौर पे बदनी नहीं है, इंटरनल जो आप कह लेंगे उनको जो अपरेंटली सॉरी नजर नहीं आ रही, लेकिन इनसाइड वो प्रॉब्लम है इंसान को। तो इस हवाले से लोगों को केयरफुल करने की जरूरत है कि वो अपने बारे में कॉन्शियस हों, खुद को जाने। थोड़ा सा उनका इलाज होगा फॉर द टाइम बीइंग चीजें, तो वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। कुछ लोग सारी जिंदगी असाबी कमजोरी के साथ, मुख्तलिफ मसाइल के साथ जीते हैं, वो सारी जिंदगी ऐसे ही जीते हैं, उनको बेचारों को कितने पता होता है। मामूली से इलाज में मैं अक्सर देखता हूँ बच्चों बच्चियों के दांत के टेढ़े होते हैं, खासतौर पर बच्चियों के हवाले से। तो पिंडा जो वड्डी हो जाए तो उन्होंने कोई दंदलों कह रहे होंगे, कोई लंबे दंदा ले कह रहे होंगे, क्योंकि हालांकि बड़ा ही क्योरेबल सा मामला है कि अगर एक स्पेसिफिक एज में उसकी ट्रीटमेंट की जाए तो माशाल्लाह बिल्कुल दांत सीधे हो सकते हैं। तो वो बच्ची बड़ी होके किसी भी गलत अलकाबाद से नहीं नवा दी जाए। मसला ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेडिकली भी बीमारियां हैं या सोशली बीमारियां हैं, लेकिन हम उन पर कोई काम करने को तैयार ही नहीं। बेड़ा गर्क हो जाए सेल फोन ना, इन्हें बिल्कुल ही खाना खराब कर देते हैं। हर बंदा अपने फैक्ट्री से अपने दफ्तर से जाता है, वो अपने घर आंदा है, अपने कुंडी चढ़ाता है, उस जो डबल बैड के नाल बाथरूम आ गए ने। अगे यार चंगा भला एक रिलीफ दी पंजा बंदा बच्चे सुता हों, उठे कोई सुता है, कोई दुख का साथी, कोई सुख का साथी। हूँ तो किसी का मरले का, किसी का दो मरले का, किसी का चार मरले का, बस अपने घर से झाती ना जाए, किसी की सानू कोई ना वेखे, असं किसी ना वेखे। तो भाई बीमारियां नहीं होनी तो होर माँ का सिर होना है, बीमारियां ही होनी और क्या होना। ठीक है, सो लिहाजा ये जो सेल्फ हेल्प है, अपने बारे में जानना, अपनों के बारे में जानना, यह जो नाल खलो के फूड़वा फूड़वा लवा लेंगे ना, जो नाल तुहाडे शादी से इकट्ठे हो गए, विआह से इकट्ठे हो गए। ठीक है यार, मैनूं समझ नहीं आती अज तक इस गल की, जिन्हें बंदे किसी बंदे के जनाजे से इकट्ठे होंगे, अल्लाह कसम उस तो 10% भी घट, उन्हां चो 10 बंदे ही रल के उनकी जिंदगी खड़े हो जाए तो शायद उनकी 10 साल जिंदगी बच जाए। नहीं, लेकिन उदों किसी को 10 मिनट का टाइम नहीं देगा उनके वास्ते। ठीक है, वो फिर ये सोचें कि वो जो अब इकट्ठे हो गए हैं वो ढकोसला है, वो फ्रॉड है, वो धोखा है। ठीक है, दिस इज नॉट द रियलिटी। रियलिटी होती तो भाई उसको उस वक्त उठाते जब उसको जरूरत थी। जिंदियां को उठाओ यार, मुर्दियों को क्या उठाओ। इसी तरह से बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। जैसे हमारे यहाँ एक खास तबका, एक खास वक्त के लिए दुनिया का सुप्रीम कलाम है कुरान पाक, उसको मुर्दों के लिए रखा हुआ, हालांकि वो सुप्रीम चीज अल्लाह की सुप्रीम तखलीक इंसान के लिए है। एनी हो, बात लंबी हो जाएगी। तो ये हैं जी काइंड्स ऑफ कंपेन जिनके हवाले से हम इस, और भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि यही सब कुछ है। अच्छा, यहां तक कोई बात आपने पूछनी? ठीक है, इससे ना सिर्फ ये कि आपको ये क्लियर होगा कि हमें प्लान बनाना ज़रूरी क्यों है, बल्कि आपको प्लानिंग की अहमियत भी और उसके जो एडवांटेजेस, किसी भी सूरत में ये आपसे सवाल पूछा जाए कि व्हाई प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाई वी मेक प्लान्स, सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग और एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग, ये सारे एक ही किस्म के सवाल हैं। कुछ पॉइंट्स में हम इनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सो टू हैंडल लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, हैप्पाज़र्ड इज नॉट इफेक्टिव। जैसे हमने मुख्तलिफ मसालों से ये बात समझने की कोशिश की है कि अगर हम हैप्पाज़र्ड तरीके से कोई भी काम शुरू कर देंगे तो कभी भी इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए जो भी किसी प्रोग्राम के अंदर पेचीदगियां आती हैं,
उनको सॉल्व करने के लिए, उनको हल करने के लिए हम प्लान करते हैं और पहले से ही तरतीब देख रखते हैं फॉर बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखिए हमारे, हमें अगर पता ही नहीं है कि हमने कहाँ से चलना है, किधर को जाना है, कितने बजे जाना है, तो हमारा वक्त ज़ाया होगा, गलत रास्ता ले लेंगे, गलत ट्रांसपोर्ट ले लेंगे, हमारे फंड्स ज़ाया होंगे। तो इसी तरह से अगर आपने प्लान किए बगैर घर बनाना शुरू कर दिया तो आपको बाद में पता चला नहीं यहाँ पे किचन की बजाय बात होना चाहिए था, जब बात के साथ किचन नहीं आना चाहिए था, तो आपके पैसे ज़ाया हो गए, आपका वक्त ज़ाया हो गया, रिसोर्सेज ज़ाया हो गए। सो जब आप प्लान करते हैं तो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। सो फॉर द बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के बेहतर इस्तेमाल के लिए वी मेक प्लान। कोऑर्डिनेशन एंड यूनिटी, मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन के लिए कि कौन किस वक्त क्या काम करेगा, उन तमाम एक्टिविटीज़ को आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए हमें प्लान की जरूरत है। सो ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट ऑडियंस तक पहुँचने के लिए मुख्तलिफ टूल्स को यूज़ करते हुए, देखिए हम अगर प्लान कर रहे हैं कि एक कंपेन हमने लॉन्च करनी है और हम कहते हैं कि जी टीवी के जरिए करें, तो हमें पता चलता है कि उस इलाके में टेलीविजन ही नहीं है। हम कहते हैं कि जी इमाम मस्जिद के जरिए करें और हमें पता चलता है कि उस इलाके में मस्जिद ही नहीं है। ठीक है, हम कहते हैं कि जी वहाँ पर बैनर लगा दें, ब्रोशर फेंक दें, वहाँ कहें वो लोग पढ़े लिखे ही नहीं हैं, तो हमें अपने टारगेट ऑडियंस में पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। सो वी मे यूज़ द डिफरेंट tools and communication technologies and communication channels to get our audience more and more. और जब हम ज़्यादा wider range of understanding मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा बेहतर तरीके से लोग हमारी बात को समझ पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग की रेंज जो है वो हमारी ज़्यादा हो जाएगी। एंड लास्ट वन इज दी हाउ टू प्लान अ कंपेन, किसी कंपेन को प्लान किस तरह से किया जाता है। देयर आर वी कैन डिवाइडेड इट और यू कैन से कि देयर आर थ्री स्टेजेस टू प्लान अ कंपेन। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब जब हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की, तो क्या होना चाहिए, हमें हमारे मकासद क्या हैं, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि हम ये कंपेन लॉन्च क्यों कर रहे हैं। देखिए अगर हमारा कोई पर्पज़ ही नहीं है तो हम लॉन्च क्यों कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अगर हमें यही नहीं पता कि हमने तब्दीली लेके क्या आनी है, तो फिर हम मैयर कैसे करेंगे कि वो तब्दीली आ गई है या नहीं। कोई मकसद होगा तो तभी हमें पता चलेगा कि कंपेन वो हासिल हो गया है तो अब हमारी कंपेन सक्सेसफुल होगी। सो जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं मकासद की, तो उसमें डिजायर्ड चेंज क्या है, सबसे पहला सवाल ये हम अपनी कंपेन में रखते हैं, हम क्या चाहते हैं, क्या तब्दीली देते हैं। लोग लिखना पढ़ना शुरू कर दें, लोग बच्चियों को स्कूल भेजना शुरू कर दें, लोग साबुन से हाथ धोना शुरू कर दें, क्या करें, क्या तब्दीली चाहते हैं माशरे के। सो सबसे पहली स्टेज पे हमने क्या करना है, अपने मकासद को आइडेंटिफाई करना, क्या नया आइडिया है जो मैं देना चाहता हूँ, क्या नई सोच है जो मैं पोर करना चाहता हूँ। जैसे हमने अभी बात की कि रोटी खाना मर्ग थे, अब ये नया आइडिया कि ना खाना, पिन पॉइंट ऑडियंस, भाई हमारा टारगेट कौन से लोग होंगे, हमने पहले भी ये बात कर चुके हैं, ये हमने आइडेंटिफाई करना, बच्चे हैं, बड़े हैं, औरतें हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े हैं, तो ये तमाम अपने मकासद को हम सामने लेके आए। मसलन अगर हम ज़राअत की बात करें तो हम कहते हैं कि हम फी एकड़ पैदावार बढ़ा दें गंदम की, हमारी तब्दीली क्या है, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, टू इंक्रीज द वीट प्रोडक्शन। हम नया आइडिया क्या देंगे, हम नया आइडिया हम दे देंगे कि भाई आप अगर इसको मार्च में बोते हैं तो उसकी बजाय आप फरवरी के आखिरी हफ्ते में बोएं, वो मौसम ज़्यादा अच्छा है,
आप अगर जनाब पर एकड़ जो है वो 20 किलो दाना डालते हैं, तो आप पर एकड़ जो है वो जनाब 25 किलो दाना डालें, फसल ज्यादा आएगी। सो डिफरेंट, आप एक की बजाय दो पानी लगाएं, आप दोपहर के बजाय शाम को पानी लगाया करें, सुबह को पानी लगाया करें, लाइक। तो ऑडियंस हमारे कौन होंगे उसमें? वो जो गंदम मुंजरा कपाह बीजने वाला है, ये उसके लिए नहीं है, है ये एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन एग्रीकल्चर में एक शख्स कपास काश्त करता है, एक गन्ना काश्त करता है, एक शख्स चावल काश्त करता है, एक जो है वो मकई काश्त करता है, एक जो है जनाब आलू काश्त करता है। तो हम किसके मतलब बात कर रहे हैं? जो वीट काश्त करता है, हमारा टारगेट ऑडियंस वो है। और फिर हमारा पीरियड ऑफ टाइम, मसलन फसल जो आजकल अगर हम कहेंगे तो गंदम की बुआई का सीजन है, तो हम अगर यहाँ पे लोगों को इस वक्त कंपेन लॉन्च करें कि जी आपने चावल की फसल कौन सी अच्छी होती है, तो वो सूटेबल है नहीं है। तो हमें टाइम भी सूटेबल चेक करना है, उसी के मुताबिक जो है वो हम पीरियड ऑफ टाइम के 2 महीने 3 महीने कितने महीने के लिए हम ये चलाएंगे, 6 महीने के लिए तो नहीं चला सकते ना, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि किस तरह की कंपेन है और उसके लिए पीरियड ऑफ टाइम क्या है। पोलियो मुहिम है, आपने साफ पानी के हवाले से कोई कंपेन है, सैलाब जदगान की मदद है, तो वो तो उसी टाइम पीरियड में होगी ना। सैलाब जदगान सैलाब आगे चला गया, एक साल बाद हम वहां पे जाके कंपेन शुरू करें, तो इस तरह से हमने पीरियड ऑफ टाइम पे। तो ये सारे वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई करने हैं जब हम प्लान कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेज पे हम इन सबको प्लान करें। अब अगर आप लोग अपने तौर पे चाहें, जो कि बिल्कुल आप नहीं चाहेंगे, मैं 100 से भी ज्यादा फिसल, तो आप एक कंपेन बना सकते हैं इन पॉइंट्स को सामने रखते हैं। स्टेज टू है जी एनालिसिस। एनालिसिस क्यों जरूरी है किसी भी चीज का? ताकि हम अपनी चीजों को बेहतर और आसान कर सकें और अपना टारगेट ऑडियंस जो हमारा टारगेट है वो अचीव कर सकें। तो हम देखेंगे कि जो टॉपिक या जो आइडिया हम चुन रहे हैं, एनालिसिस करेंगे उसका कि क्या ये उस मुआशरे के अंदर एक्सेप्टेबल है, लोग उससे इत्तेफाक करेंगे या हमारी वैल्यूज के खिलाफ है। जैसे जैसे मैंने आपसे बात की है, आप में से हो सकता है आधे से ज्यादा लोगों को गुस्सा आया हो कि ये क्या जी, ये तो हमारी रसूमात हैं, ये किन पे बात करना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो मतलब ज्यादातर लोग एग्रीड अपॉन नहीं होंगे उस टॉपिक पे, बात नहीं करना चाहेंगे उस पर, बात सुनना नहीं चाहेंगे, तब्दीली तो दूर की बात। हमने एनालिसिस करना है कंपेन के दौरान, उसको लॉन्च करने से पहले, कि क्या जो बात हम करने जा रहे हैं मुआशरा इसको एक्सेप्ट करेगा। जिस मुआशरे में खवातीन की तालीम के बारे में बड़ी बुनियाद परस्त या कुछ रवायात इस तरह की हैं, आप वहां पे जाके लोगों को कहें कि जी हमने स्कूल बनाना है, फंड रेजिंग आप स्कूल के, तो वहां भाई पहले ये देखें कि आइडिया एक्सेप्टेबल भी है कि नहीं। तो कालाबाग डैम जरूरत है, लेकिन उसको कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा कर दिया गया है। इसी तरह से एनालिसिस में ये चीज आएगी कि आप चेक करेंगे कि जो सिचुएशन है, जो लोग हैं, क्या उस पर पूरा उतर रहे हैं। देन है सिचुएशन। अब सिचुएशन का भी मसलन, एक इलाके में जंग हो रही है, अब वहां पे जाके कोई उनको बताएं कि नए फूल बहार में कैसे लगाते हैं, तो ये तो हालात नहीं है, सिचुएशन ऐसी नहीं है। या आप किसी का बाप फौत हुआ हुआ हो खुदा ना खास्ता, और आप उसको जाके उसको कहेंगे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, या निकाह का या रिश्ते का पैगाम दें उस घर में, तो ये चाहे वो आप जितने भी अच्छे हों, लेकिन वो सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो इसलिए आपने इस चीजों का भी एनालिसिस करना है कि किस सिचुएशन में आपने कौन सी बात करनी है, ठीक है।
दिसंबर च कुल्फियां तो नहीं वेच सकदियां ना, कुल्फियां वेचण वास्ते ते तुहानू जून जुलाई का इंतजार करना पड़ेगा। तो लिहाजा आपने सिचुएशन का एनालिसिस करना है कि क्या इस वक्त जहाँ पे मैं कंपेन लॉन्च हम करने जा रहे हैं वो उससे सूट करती है उसको सिचुएशन या नहीं करती। ऑडियंस, ऑडियंस हमने तय भी करने हैं और उनका एनालिसिस भी करना है, उनकी एज, उनका जेंडर, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी आदतें, मुख्तलिफ उनके मामलात, ताकि जब हमें लोगों की एनालिसिस होएगा कि किस तरह के लोग हैं तो देन ही हम उसके मतलब उनके मतलब बात कर पाए। और उसके बाद हमने देखना है कि स्पॉन्सर कि क्या हमारा स्पॉन्सर अगर कोई कमी पेशी होती है या फंड जो भी दे रहा है इस कंपेन के लिए वो हमारा साथ दे भी पाएगा कि नहीं। और एक बंदा कहता है शाबाश शुरू करो मैं थोड़े नाल हूं, तो बाद जो तुसी पीछे देखो तो कोई भी ना हो, तो उसकी जो वैलिडिटी है स्पॉन्सर की वो भी आपने चेक। दो स्टेजेस पे हमने बात कर ली, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड एनालिसिस, मुख्तलिफ चीजों के हवाले से हमने एनालाइज करना है। तीसरी स्टेज है जी बच्चों हाउ टू एंड कैंपेन की, वो है जनाब फॉर्मुलेशन ऑफ द प्लान। जब हमने एग्जीक्यूट करना है अब प्लान को तो उसके लिए हमें किस चीज की सबसे पहले जरूरत है, मीडिया सेलेक्ट करने की। मीडिया कौन सा सेलेक्ट करेंगे ये भी हमने प्लान के अंदर ही, अपनी कंपेन के प्लान के अंदर ही डिसाइड करना है। इस पर हम डिटेल में बात कर चुके हुए हैं, कबूतर से लेके खत से लेके हर कारे तक सब बातें हमने की कि कौन सा चैनल यूज करें या कौन सी टाइप कम्युनिकेशन यूज करें। टाइमिंग द कंपेन, इस पर भी हमने बात की थी कि क्या अगर बच्चों के हवाले से है तो उनको हम दिन में 10 11 12 बजे जाके वो कंपेन करना शुरू कर देंगे स्कूल टाइम से बाहर, नहीं, बेहतरीन टाइमिंग बच्चों के लिए स्कूल टाइमिंग है। इसके अलावा जैसे हमने काश्तकारी की बात की, सैलाब जदगान की बात की, तो उन सब में हमें टाइमिंग की जरूरत है ना। यूज ऑफ स्लोगन एंड सिंबल, अपनी कंपेन के लिए नारे यूज करें, सिंबल्स यूज करें। मिसाल के तौर पे आप देख रहे हैं ममता का तकाजा, डालडा, दिल का मामला, अभी हैं तो नारे ही ना, हकीकत उनमें है या नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे स्लोगन्स, दरख्त लगाएं जन्नत में घर बनाए, लाइक दिस। लोगों को नारों से स्लोगन से लोग ज्यादा कायल होते हैं। कभी बल्दियाती इलेक्शन की कंपेन देखी आपने, वहां पे जब छोटे छोटे कॉर्नर मीटिंग जुलूस होती है तो वो नारे आवे ही आवे, साडा मलक आवे ही आवे, चौधरी साडा आवे ही आवे, ठीक है, इस तरह की और बहुत से छोटे मोटे नारे लोगों ने बनाए। तो वो नारे से उसने जीतना नहीं होता, बस लोगों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए। तो हमारा भी मतलब यहाँ मकसद लोगों की अटेंशन ग्रैब करना है ताकि शायद के दिल में उतर जाए मेरी बात। और प्रोविजन ऑफ चैनल्स और इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी, लोगों को भी हम उसमें शामिल करेंगे। फिर उसके बाद कंपेन में हम कैलेंडर और वर्क चार्ट भी बना लेंगे ताकि हम देखते रहें कि किस तरीके तक हमने कितना काम करना था और कितना काम हो गया है। और इसी सारे को हम एवेल्यूएशन प्रोसेस भी बोलते हैं। इसके लिए अलग से एक चैप्टर भी है जिसे मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन है, कि जब भी आप कोई प्लान बनाते हैं तो जब तक उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं की जाती, उसको एवेल्यूएट नहीं किया जाता, उस वक्त तक भी उस प्लान के मतलूबा या पात्र का नतीजा जो है वो हमारे सामने नहीं आता। दैट्स ऑल जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने सुन लिया। अस्सलाम वालेकुम।